मित्रों, भगवान शिव को जल अति प्रिय है। विशेष रूप से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शंकर जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था, इस कारण उनके शरीर का ताप बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। शंकर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। तब से ही शंकर जी को सावन में जल चढ़ाने की परंपरा चल रही है। लेकिन शंकर जी को जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या होती है, किस जल से रुद्राभिषेक करने पर क्या लाभ मिलता है, शिवलिंग पर कौन सी वस्तु चढ़ाने पर क्या लाभ मिलता है, नंदी जी की कानों में मनोकामना बोलने के नियम क्या होते हैं, शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा क्यों करनी जरूरी होती है, आखिर क्यों नंदी जी के कानों में बोली जाती है अपनी मनोकामना, नंदी जी के कान में मनोकामना कहने के नियम क्या होते हैं, और साथ ही साथ सावन शिवरात्रि 2022 का शुभ मुहूर्त क्या है जल चढ़ाने का। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा में मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव के आगमन की दिशा माना जाता है। ऐसा करने से शंकर जी के आगमन मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर मानी गई है। उत्तर की दिशा शंकरी की वाम अंगी होने के कारण माता पार्वती की दिशा मानी जाती है। इसलिए मान्यता है कि इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को हमेशा चांदी, तांबे या कांसे के पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। स्टील के पात्र से जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। तांबे के पात्र से शंकर जी को कभी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूध और तांबे का संयोग विषैला होता है। शंकर जी को जल खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि बैठकर आराम से जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल तेजी से या तेज धार बनाकर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रद्धा भाव से धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए। भगवान शिव को चढ़े हुए जल को कभी कचरना या लांगना नहीं चाहिए, इसलिए ही शिव जी की परिक्रमा आधी की जाती है। मित्रों, अब जानते हैं किस जल से रुद्राभिषेक करने पर क्या लाभ मिलता है। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट दूर होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध और चीनी मिलाकर अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षय होते हैं। अब जानते हैं मित्रों, शिवलिंग पर कौन सी वस्तु चढ़ाने पर क्या लाभ मिलता है। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर हो जाती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शम्मी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से लंबे समय से चल रही कोई भी बीमारी और दुखों से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं नंदी जी की कानों में मनोकामना बोलने के नियम। मित्रों, भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कोई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले आते हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कथा, कहानियाँ, इन सभी के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका वास होगा वहाँ नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। अब जानते हैं मित्रों, शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा क्यों करनी ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिल पाता। मित्रों, शिवलिंग की पूजा करने के बाद
नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। लेकिन मनोकामना बोलने से पहले ज्यादा जरूरी है यह जानना कि उनके कानों में मनोकामना आखिर बोली क्यों जाती है। मित्रों, शिव मंदिर में लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते हैं वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक जाती है, इसलिए लोग मंदिरों में शिव जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता ये भी है कि शिव जी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। पर मित्रों, नंदी जी के कान में मनोकामना कहने के कुछ नियम हैं, जैसे कि नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा अवश्य करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व होता है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो आप अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात ना कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट अवश्य करें, जैसे कि फल, प्रसाद या कुछ धन रूपी भेंट अवश्य उनको अर्पित करें। अब जानते हैं मित्रों सावन शिवरात्रि की शुभ तिथि और जल चढ़ाने का समय। मित्रों, सावन में शिवरात्रि तिथि 26 जुलाई 2022 यानी दिन मंगलवार को होने वाली है। चतुर्थी तिथि आरंभ 26 जुलाई 2022 को मंगलवार शाम 6:46 से 27 जुलाई 2022 बुधवार रात 9:11 पर समाप्त होने वाली है। मित्रों, सावन शिवरात्रि में अगर आप जल चढ़ाना चाहते हैं, उनकी पूजा आराधना, उनका रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो सावन शिवरात्रि के दिन देवों के देव महादेव की पूजा अभिषेक करने के लिए शुभ मुहूर्त 26 जुलाई की शाम 7:24 से रात 9:28 तक रहने वाला है। इसी के साथ साथ मित्रों, आप जैसे कि सभी व्यक्ति जानते हैं, हम अमावस पे, दीपावली पर, होली पर कुछ ना कुछ सेल आपके लिए अवश्य लेकर आते हैं, और इस बार सावन में भी यह सेल आपके लिए अवश्य लेकर आए हैं। अगर आपने अब तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर या वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस वीडियो का लिंक खोल सकते हैं ताकि आप देख सके कि हम कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज मुफ्त देने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।